दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं RRB यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की जो पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती है यानी कि स्टाफ नर्स और अन्य जो पोस्ट निकली थी रेलवे की, उसके दोस्तों जो पेपर हैं आपके 19, 20 और 21 जुलाई यानी कि 3 डेट में वो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, तो उनका जो कॉल लेटर है वो जारी कर दिया गया है। आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे साथ हैं RRB अजमेर यानी कि अजमेर भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो ये लिंक आपके सामने होगा। सबसे पहले गूगल में जा कर के आप RRB अजमेर टाइप करिएगा, ठीक है। उसके ऊपर सबसे पहले लिंक को क्लिक कर देना, उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएँगे। जब इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर जो CEN 02 2019, ठीक है, यानी कि ये रेलवे का दूसरा विज्ञापन था 2019 का जो पैरामेडिकल कैटेगरी का था, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 15/7/2019 क्लिक हेयर टू डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर फॉर CBT CEN 02/2019 पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो दोस्तों ये आपका कॉल लेटर का लिंक है, ठीक है, आपको कौन सा शहर मिला है, किस शिफ्ट में आपका पेपर है और कब किस डेट का आपको पेपर है। तो हमें क्या करना है, इस सिंपल सा जो लिंक यहाँ पे न्यू लिखा रहा है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए थोड़ा समय लग रहा है, ओपन हो रहा है, और इसमें आपको अपना कॉल लेटर इस लिंक में जो एंट्रीज हैं उनको डाल करके और इसको देख लेना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तब तक के लिए दोस्तों आप अगर इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप इसमें सेलेक्ट हो। दोस्तों थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि वेबसाइट पर अभी इस कॉल लेटर का लिंक एक्टिव हुआ है और लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बार मैं बैक करके इसको देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आपको अपना कॉल लेटर देखना है। दोस्तों थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको जो ये लिंक है, ठीक है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप किसी भी वेबसाइट पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप वेबसाइट के थ्रू खोलते हैं, ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन। तो जब हमने इस लिंक पे क्लिक किया है तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आ गया। यहाँ पर लॉगिन करना है हम लोगों को, और लॉगिन करके क्या यहाँ पे एंट्रीज देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सबमिट वाले बटन को दबा देना है। तो दोस्तों मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपको ओब्लिक देना है, ठीक है, और ओब्लिक देके आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और गो का बटन यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर सबमिट का बटन आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए हम सबमिट का बटन क्लिक कर दिया, और अब देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका कॉल लेटर, आपकी जो परीक्षा सेंटर किस डेट को है, किस शिफ्ट को है, तो वो यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए वेबसाइट का जो सर्वर है काफ़ी धीमा है और इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप लोगों को बस दो चीज़ें करनी है यहाँ पर, अपना जिस तरीके से आपने अपना जो एग्ज़ाम सिटी और आपने डेट क्लियर की थी उसी तरीके से है ये, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और तो हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल किया तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है, जो पहले आया था जब आपने यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम डेट और सिटी चेक किया था वो का वो इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब डाउनलोड कहाँ से होगा, तो जब हम इसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक और पेज यहाँ पर ओपन होगा, जिस भी कैटेगरी से जिस भी पोस्ट से आपने आवेदन किया है वही यहाँ पर आपके सामने निकल करके आएगा, ठीक है। तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड उस पर हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आप लोगों के सामने होगा। तो बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को, बस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसके बाद आसान है ये चीज़ें कर पाना। तो थोड़ा सा समय दोस्तों इसलिए लग रहा कि वेबसाइट है
वो यहाँ पर धीमा चल रहा है सर्वर की वजह से। देखिए अब इन्होंने स्टाफ नर्स से फॉर्म लगाया था, ठीक है, ये देखिए एडमिट कार्ड स्टाफ नर्स, ठीक है, हमें इस पर क्लिक कर देना। स्टाफ नर्स वाले जो आया है, जिस भी पोस्ट से आपने लगाया था वही पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये स्टाफ नर्स इन्होंने लगाया था, ये थोड़ा सा समय लगेगा इसमें भी दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है और एग्जाम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से कंसंट्रेट करके अपने माइंड को, और आपको एग्ज़ाम देना है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव करेंगे उतना यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग फाइल, तो ये डाउनलोड हो रहा है आपका एडमिट कार्ड, और ये हो जाएगा कुछ सेकंड्स के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से चेक कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग इस वजह से हुआ कि दोस्तों बार बार ये जो वेबसाइट है ये समय ले रहा है, इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर हुआ है। और आप लोग चेक करके ज़रूर बताएं कि आपका जो सेंटर है, परीक्षा सेंटर है, कब है आपकी एग्ज़ाम और कहाँ पर आपका सेंटर आप लोगों को मिला है, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों ये आपका जिस दिन भी एग्ज़ाम हो उस दिन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे 19 तारीख का जिनको एग्ज़ाम है, वो अभ्यर्थी ज़रूर ध्यान दें कि 19 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है वो मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपना जो भी आपको क्वेश्चंस ध्यान में आए, जो भी आपको क्वेश्चंस याद रहे वही क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर बता देना है कि इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। दोस्तों ये देखिए अब आपका एडमिट कार्ड था जो देखिए डाउनलोड हो चुका है। देखिए एग्ज़ाम डिटेल्स, तो इनका यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम भी दिखा दिया है, और ये देखिए निकटतम रेलवे स्टेशन भी दिखा दिया है, और शिफ्ट भी बता दी है, और डेट भी बता दी है, और रिपोर्टिंग टाइम भी बता दिया है, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है उनका रिपोर्टिंग टाइम 7:15 बजे का रहेगा, और ये दोस्तों आपको लेके जाना है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, 7:15 बजे आपको यहाँ पर पूछना है। और देखिए सेकंड शिफ्ट होगी 11:45 से, और थर्ड शिफ्ट होगी 2:15 से, ठीक है। गेट क्लोजिंग का भी टाइम यहाँ पे दिया गया है, और एग्ज़ाम आपका फर्स्ट शिफ्ट वालों का 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट का 12:30 बजे से, और फोर्थ शिफ्ट का आपका 4 PM से, ठीक है। और आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन या इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें वहाँ पर लेके नहीं जानी है, एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस हैं। और एक आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ भी ले जाना है, ठीक है, और एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देखिए यहाँ पर, ठीक है। आवेदन जो आपने किया था जिस टाइम पे फॉर्म भरा था वही फ़ोटो यहाँ पर आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना पेपर दे देना है, एक आईडी, एक फ़ोटो, ठीक है, तो ये लेके जानी है आपको ज़रूर। और इस पर फिक्स कर देना है आपको, देखिए यहाँ पर हिंदी में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, 100% होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे, और विकलांग कैंडिडेट्स को 120 मिनट स्क्रब के साथ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक जानकारी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत। और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ आपको, उस लिंक पे आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये आप लोगों को सबमिट करके निकाल लेना है। जय हिंद दोस्तों।